हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से काकुटेक के एक नई और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रियलमी 7i वर्सेज ओप्पो A52 का कंपैरिजन। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, रियलमी 7i आपको 464 12000 एंड 4128 13000 का देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली ओप्पो ने प्राइस ड्रॉप किया है अपने ओप्पो A52 स्मार्टफोन पर, और दोस्तों यहाँ पर हमें 4128 की प्राइसिंग 13000 देखने को मिल जाती है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको स्मार्टफोन परचेज करना है, अगर आपको सेम वेरिएंट परचेज करना है, तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्राइस है 30000, लेकिन दोस्तों आपको 1000 जो एडिशनल ऑफ देखने को मिल जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स पर। इसके बाद दोस्तों आप ये स्मार्टफोन 12000 का परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं स्मार्टफोन 6128 14000 का देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस वेरिएंट 6128 परचेज करना है, तो आपको अमेजोन से परचेज करना है, बिकॉज आपको फ्लिपकार्ट पर जो प्राइसिंग है 6128 की 17000 देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अमेजोन पर आते हैं, तो आपको प्राइसिंग 6128 की 14000, जहां पर दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा 1000 का कूपन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसे यहां से अप्लाई करते हैं, तो सिंपली दोस्तों आप ये स्मार्टफोन 12990 का परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी प्राइसिंग है 30000 यहां पर हो चुकी है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको 8128 वेरिएंट परचेज करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15990 का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एडिशनल 1000 ऑफ का कूपन देखने को मिल जाता है। जिसके बाद दोस्तों अगर आप बैंक ऑफर भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो प्राइस है 15828128 की देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में आई थिंक इससे बेटर हैंडसेट हो नहीं सकता ओप्पो A52 से। दोस्तों अगर मैं कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, इस वीडियो में हम कंप्लीट कैमरा कंपेरिजन भी साथ में करेंगे। दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं काकुटेक, सो लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स की लुक एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। लुक एंड डिजाइन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सिमिलर है। आपको जो क्वाड कैमरा सेटअप है, बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन्स का। यहाँ पर दोस्तों आपको जो बैक लुक है, थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन्स की जो बैक लुक है, बिल्कुल ग्रेडियंट देखने को मिल जाती है। दोस्तों 7i में हमें बैक में फिंगरप्रिंट, जबकि दोस्तों में ओप्पो A52 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती है। दोस्तों फ्रंट साइड आपको दोनों स्मार्टफोन्स में पंच होल डिस्प्ले देखने मिल जाएगी। राइट साइड में दोस्तों में यहां पर ओप्पो A52 में फिंगरप्रिंट एंड रियलमी 7i में यहां पर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम ब्रोकर्स। लेफ्ट साइड में दोस्तों सिम ट्रे और यहां पर A52 में जो वॉल्यूम ब्रोकर्स है, लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं। दोस्तों टॉप साइड में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और नीचे की तरफ दोस्तों में सेम सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये ओवरऑल लुक दोनों स्मार्टफोन्स की, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपको बैक फिंगरप्रिंट पसंद है, तो आप रियलमी 7i परचेज कर सकते हैं। अगर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट पसंद है, तो आप A52 परचेज कर सकते हैं। नो डाउट दोस्तों जो में फ्रंट से लुक है सेम देखने मिलती है, और यहां पर दोस्तों ओवरऑल जो लुक है सेम ही देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले से, डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों यहां पर आपको कैसे मिलने वाली है। दोस्तों यहां पर आपको ओप्पो A52 में जो डिस्प्ले है 6.5 इंच की FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर दोस्तों आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5% दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों में रियलमी 7i में 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको HD+ एंड A52 में आपको FHD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। नो डाउट यहां पर जो डिस्प्ले में अभी क्लियरली विनर है हमारा ओप्पो A52। और दोस्तों यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, यहां पर A52 में 60Hz का, जबकि दोस्तों आप 7i में 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक तरफ आपको रिफ्रेश रेट बेटर देखने को मिल जाता है, और एक तरफ आपको FHD+ रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहां पर ओवरऑल जो डिस्प्ले में लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं, कोई यहां पर ज़्यादा डिफरेंस मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्वाड कैमरा सेटअप की दोनों स्मार्टफोन्स में, दोस्तों अगर आप मेगापिक्सल्स काउंट करते हैं, तो यहां पर आपको रियलमी 7i में मेन कैमरा 64MP 8MP अल्ट्रा वाइड 2MP BMW लेंस एंड 2MP मैक्रो लेंस देखने को मिल जाते हैं 16MP के फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा के साथ। जबकि दोस्तों आपको A52 में प्राइमरी कैमरा 12MP 8MP अल्ट्रा वाइड 2MP पोर्ट्रेट एंड 2MP यहां पर आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाते हैं 16MP के फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा के साथ। दोस्तों अगर आप मेगापिक्सल काउंट करते हैं, तो यहां पर आपको रियलमी 7i लगेगा कि बेटर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं दोनों स्मार्टफोन्स में जो मैंने फोटो कैप्चर किए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको पता लग जाएगा कौन से स्मार्टफोन का कैमरा होने वाला है यहां पर सबसे बेटर।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा ओप्पो A52 एंड ये 7i। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये प्राइमरी फ्रंट कैमरा के साथ फोटो कैप्चर किया दोनों स्मार्टफोन्स में, और दोस्तों क्लियरिटी आपके सामने है जो यहाँ पर दोस्तों आपको जो स्किन टोन है वो नेचुरल देखने को मिल जाती है ओप्पो A52 में, जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो कलर्स है थोड़े से फेड देखने को मिलेंगे रियलमी 7i में। और दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरिटी भी देखते हैं तो आपको A52 में ज़्यादा बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों हमें जो प्राइस है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था पहले, इस वजह से हमें जो इसमें क्लियरिटी थोड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों एक 17,000 का फ़ोन आपको 13,000 में देखने को मिलता है, और वहाँ पर भी अगर आप एडिशनल 1,000 ऑफ करते हैं तो आपको 12,000 का मिल जाता है 4128। दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर की है और यहाँ पर भी दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर क्लियरिटी है A52 में बैटरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो एज डिटेक्शन है दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी बैटरी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो फोटो मैंने दोनों स्मार्टफोन्स में मेन कैमरा के साथ कैप्चर की है, एक तरफ आपको 16MP प्राइमरी लेंस और एक तरफ दोस्तों आपको 12MP का देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्लियरिटी आपके सामने आप खुद ही देख सकते हैं, क्लियरिटी में दोस्तों यहाँ पर क्लियरली विनर है ओप्पो A52। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली विजिबल है जो आपको थोड़े से छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ पर ट्री पे देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों क्लियरली विजिबल A52 में, जबकि आपको रियलमी 7i में इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है। और दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड भी देखेंगे तो A52 में आपको बिल्कुल बैटर देखने को मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट फोटो दोस्तों मैंने 2x में कैप्चर किया है और यहाँ पर भी दोस्तों आप क्लियरिटी देख ही सकते हैं, हमें यहाँ पर जो कलर्स है थोड़े से बैटर 7i में देखने को मिल जाते हैं, मगर दोस्तों आपको जो क्लियरिटी है A52 में थोड़ी सी बैटर देखने को मिल ही जाती है। दोस्तों 5x के साथ फोटो मैंने कैप्चर की है और यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमें जूमिंग है A52 में बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों 10x में फोटो कैप्चर की गई है और यहाँ पर दोस्तों मैं फोकस करता हूँ तो देख सकते हैं 10x में हमें दोनों स्मार्टफोन्स में कोई भी बैटर क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों बैक कैमरे के साथ पोर्ट्रेट इफेक्ट और यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरिटी देख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड कलर यहाँ पर कॉर्नर पर तो आपको A52 में थोड़ा सा बैटर देखने को मिल जाते हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़े से फेड कलर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों ये था ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन, जहाँ पर दोस्तों कैमरा में क्लियरली विनर है ओप्पो A52। यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली प्राइस ड्रॉप हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर कंपेरिजन की है, वरना दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमें जो कैमरे हैं और जो क्वालिटी है फ़ोन की थोड़ी सी बैटर हमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स में, आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है, बिकॉज दोस्तों आप एक फ़ोन परचेज करते हैं और आप गेमिंग भी करेंगे फ़ोन में, तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर दोस्तों ओप्पो A52 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टाकोर CPU देखने को मिल जाता है, जबकि दोस्तों आपको 7i में स्नैपड्रैगन 662 का ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंस परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों में जो प्रोसेसर है लगभग सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैंने प्राइस तो बताई दी है दोनों स्मार्टफोन्स का, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन्स में LPDDR4X की रैम एंड UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की बात करता हूँ, यूजर इंटरफेस आपको कैसा मिलने वाला है, दोस्तों यूजर इंटरफेस है दो हमें बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन्स में, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं रियलमी एंड ओप्पो में जो यूजर इंटरफेस आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंस यूजर इंटरफेस में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर मैं अबाउट फोन में आता हूँ तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, जहाँ पर रियलमी में रियलमी UI वर्जन 1.0 का सपोर्ट, जबकि आपको ओप्पो A52 में ColorOS 7.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं UI है दोनों स्मार्टफोन्स का बहुत ही सिमिलर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों जो मैं बैटरी है दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की देखने को मिल जाती है 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो बैटरी में और चार्जिंग में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों मैं अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन की बात करता हूँ, आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता सकता हूँ ओप्पो A52 यहाँ पर बेटर है स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में, कैमरा क्वालिटी में, और दोस्तों में जो प्राइस है यहाँ पर बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4128 की प्राइस आफ्टर 1000 का डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पर ऑफ, अगर आप देखते हैं एडिशनल ऑफ जो आपको देखने को मिलता है बैंक ऑफर को अगर हम साइड में रखते हैं तो आपको 12,000 का देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस प्राइस बजट में आई थिंक सबसे बेटर हैंडसेट होने वाला है ओप्पो A52। दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन्स का, और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया है और आपको 4120 वेरिएंट परचेज करना है तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कीजिए, बिकॉज वहाँ पर दोस्तों आपको प्राइस बेटर देखने को मिल जाता है। अगर आपको 6128 और 8128 आपको वेरिएंट परचेज करना है तो आप अमेजोन से परचेज कीजिए। दोस्तों ये था ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन और मोबाइल कंपेरिजन, होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।